याद नहीं है कि 6 महीना का छोटू छलिया का बच्चा खत्म की हो? याद नहीं है, भुला गई क्या बेटा? काहे मेरे मुंह में उंगली कर रही हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अहिरान काजल रघवानी को बोल रही थी कि बुढ़िया है ढोंडी खोदवाती है। अरे तुम्हारा औकात है रे कि तुम काजल रघवानी बन जाएगी? वही अभी भी काजल है ना जो कि फैक्ट्री मालिक के साथ दिल्ली में मैनेज किए हैं। आप वही बेबी काजल है ना जो नेपाल में चुंडू पांडे के साथ मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो मतलब रितेश पांडे भैया के छोटे वाले भाई के साथ मैनेज की बात आपकी माने खुद? पांडे तो कभी छोटू छलिया तो कभी अभिषेक गोलू, किसका किसका पता नहीं नाम ले रही थी वो लड़की कि उसके साथ थी उसके साथ। मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी था क्या कभी। थैंक यू आपने बताया मुझे, मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में कि तुम बोलती हो कि तुम किस सब सो के आई, तो यानी कि तुम भी सो के आई हो? तुम किसी का सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? हाँ कैरेक्टर का, अपना कैरेक्टर जहाँ के देखो कि कहाँ से कोठे से उठ के आई हो। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तुम्हारा हाल तो कोठे वाला ही है, लगता है कोठे से ही उठ के आई हो, क्योंकि एक अच्छे घर की लड़कियाँ का ऐसा चाल चलन नहीं होगा। बच्चा खत्म करे खातिर तू गई रहलू हा, बुला गई का उ दिन वहाँ हम जाना था नहीं। वही सूर्या है ना, आरा में एक लड़की के साथ गलत कर लिया था, बेचारी का बच्चा खत्म करवा दिया। उसके पास शुक्र मनाओ कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, नहीं तो उससे भी ड्रग्स और हीरोइन बिचवाता है ये, तो दिन भर खुद ही गांजा पीता है, इसके बारे में क्या बात करना है यार साला, जिसकी खुद की कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये कभी खेसारी जी के टीम में चला जाता है, कभी पवन जी के टीम में चला जाता है, जब पवन जी भाव नहीं देते हैं तो खेसारी जी में चला जाता है। और बेबी काजल तुम क्या बोली हो कि मतलब खेसारी के साथ सोती हो क्या जो तुमको बताते हैं फोन करके कि मैं उसके साथ ऐसा बोला हूँ ऐसा किया हूँ? मेरे को तो बहुत मानते हैं खेसारी जी, मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाबू बाबू बोल के बात करते हैं। पवन सिंह मेरे को बहुत मानते हैं। आप बोलती हो पवन सिंह, आप मेरे को गाली दिए हैं बताओ। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो छोटू छलिया ही कराए थे ना? जब तुम्हारे पापा का रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था तो छोटू छलिया ही कराए थे ना? जब खेसारी भैया लाइव आके गरिया रहे तो तुम ही हो ना, कोई और तो हो नहीं? जब तुम हीरोइन को गाली दी थी कि मॉडल लुक सो सो करके काम मांगती है, तू फंसी थी फिर उसके साथ फंसी थी उसके साथ। बाप रे बाप, मेरे को तो साला मेरे को तो लग रहा कि सच में इतना ज्यादा लड़का हम बदल लिए, मेरे को पता ही नहीं था। काम वो लड़का पवन सिंह के कॉल रिकॉर्डिंग हुए वायरल हो लगा, तेकरा से समझ में आ गई लो कि वो का हुई है। लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है सूर्या, चलिए नाम से आप लोग नहीं जानते होंगे तो अब जान ले। मर्द ही बदलना होता ना इंडस्ट्री में, तो आज भी मैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और फलाना ढिमका किसके साथ भी काम की हुई रहती, ठीक है? ये सब नहीं करना था, इसी वाली वजह से मैं यहाँ घर में बैठी हुई हूँ और मुझे अच्छे काम मिले और अच्छे काम मैंने किया है। हाँ आपके जैसा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वाकई आप बहुत बिजी रहती हैं, आपके पास बहुत सारे काम है, मेरे पास नहीं है काम, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसे काम जहाँ इज्जत ना हो। रही बात कि लोग बोलते हैं कि उस मर्द के साथ रही, किसी के पास कोई सबूत है? यहाँ तो दो बोल अच्छे से कोई बोल देता है, लोग बोलते हैं अरे मेरी माल है, मेरी गर्लफ्रेंड है। बात करने के लिए चली है, उस सकले से समझ में आ जाता है कितने कतने के साथ कतने खेल हुए हैं, ठीक है ना? तो नहीं बोल, दिल गवाही देगा कि किसको कौन भैया गरिया रहे थे वीडियो कॉल पे। काजल जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप बहुत ही पवित्र लड़की हैं, इतनी अच्छी हैं आप कि उसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी बातें आपको कह दी है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी।